टाइगर जिंदा है जो एक असली कहानी पर बेस्ड है दुनिया की कई एग्जॉटिक लोकेशंस में शूट की गई थी, फिर भी कोई भी इराक में शूट करने की डेयरिंग नहीं कर सकता था, जहां फिल्म के क्लाइमैक्स में 46 इंडियन नर्सेस को होस्टेज रखा गया था। ऐसे में अली अब्बास जफर ने कुछ अनएक्सपेक्टेड किया और इराक को आबू धाबी में रिक्रिएट कर दिया। आबू धाबी ऐप इसीलिए है क्योंकि यहाँ क्रू मेंबर्स सिक्योर थे और फिल्म इक्विपमेंट आसानी से अवेलेबल था। आबू धाबी एक ऐसी जगह है जहाँ रोग वन जैसी कई हॉलीवुड फिल्म्स शूट की गई है। हालांकि एक्सट्रीम क्लाइमेट की वजह से क्रू को काफी इनकन्वीनियंस फेस करनी पड़ी थी, फिर भी गवर्नमेंट और आर्म फोर्सेज के कोऑपरेशन से सब वर्थवाइल था। आबू धाबी का सेट इतना बड़ा था कि हर समय 100 से ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कॉन्स्टेंटली या तो कुछ नया कंस्ट्रक्ट कर रहे थे या मॉडिफाई कर रहे थे या फिर सेट्स के पार्ट्स डिसमेंटल कर रहे थे। आबू धाबी की शूटिंग करीब 40 दिन चली और बहुत ही मेहनत वाली थी। अब ये सब देखकर हम उम्मीद करते हैं कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल करते है ना।